आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। देश हित में, कश्मीर के हित में इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने यहां मोर्चा संभाला, लगभग सभी बल के मिलकर 28,000 से ज्यादा जवान है, मुझे ठीक गिनती याद है 28,000 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस की फोर्स अलग थी, मगर जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला, कोई रक्तपात बगैर कश्मीर के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। परिणाम देखिए, जिस पुलवामा को देश और दुनिया हमारे जवानों पर हुए निर्मम हमले के रूप में जानता था, वही पुलवामा में आज 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। ये इतना बड़ा परिवर्तन। अगर शांति हो, सुरक्षा हो और चुने हुए प्रतिनिधियों ने विकास के लिए ठान लिया हो, तो क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। ढेर सारे क्षेत्रों आज जम्मू कश्मीर में विकास दो दुनी रात चौगुनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, IIM हो, IIT हो, AIIMS हो, NIIPT हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय कक्षा का, जो आज जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जिसका निर्णय नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को हर दृष्टि से बदलने की शुरुआत हुई और मुझे पूरा भरोसा है जब मोदी जी का ये स्वप्न जम्मू कश्मीर के विकास का समाप्त होगा, हम सफलतापूर्वक इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमेशा के लिए अमन चैन और शांति का भी हम प्रादुर्भाव देखेंगे। इसको हम अपने जीवन काल में ही देख पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी बहुत सुधरी है। 90 के दशक में भी आपको ले जाना नहीं चाहता, जब यहां पर चरम सीमा पर था, सिर्फ 2004 से 2014 का 10 साल का एवरेज देना चाहता हूं। आम नागरिकों का मृत्यु उस वक्त कुल 10 साल में 2081 हुआ था तो 208 आम नागरिक सालाना मारे जाते थे और सुरक्षा बलों के 105 जवान मारे जाते थे। और 2014 से लेकर 2021 तक ये आंकड़े हम देखें तो सुरक्षा बल के जवानों में शहीद होने वालों की संख्या 105 से घटकर 60 पर रह गई है और नागरिकों को मारने की घटनाओं की संख्या और व्यक्तियों को मारे जाने की संख्या 208 से घटकर केवल 30 रह गई। ये बताता है कि इस फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी स्वीकारा है और आपकी मुस्तैदी ऐसी है कि इसमें खलल डालने वाले सफल नहीं होते। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां जब मैं CRPF के कैंप में आया हूं, तब CRPF का एक उज्जवल इतिहास है। अभी अभी पुलिस दिन गया है, अभी अभी गया है, सभी CAPF और सभी राज्यों की पुलिस के लगभग 36,000 से थोड़े कम, मगर 36,000 कह सकते हैं, इतने जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को संभालने के लिए दिया है। CRPF के भी 2200 से ज्यादा जवान शहादत को खुद ही निमंत्रण देते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उसको भुला नहीं।